नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 में न्योता ना देने पर केंद्र पर बिफरे सीएम बघेल। सीएम बघेल ने कहा, इंदिरा गांधी के समय में 40 साल पहले 100 राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री आए थे, ये तो सिर्फ 20 देश है और उनमें भी कुछ नहीं आए हैं। यह एक प्रचार प्रसार का तरीका है, इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। आने वाले समय में क्या नतीजा रहता है वह हम देखेंगे। सीएम बघेल ने आगे कहा कि खड़गे जी को नहीं बुलाना गलत है। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को जारी की 23,93,00,000 रुपए की राशि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को अपने निवास कार्यालय रायपुर में गोधन न्याय योजना के ऑनलाइन राशि वितरण कार्यक्रम में योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में 23,93,00,000 रुपए अंतरित किए। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 551,31,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 29,93,00,000 रुपए के भुगतान के बाद कुल भुगतान का यह आंकड़ा बढ़कर 581,24,00,000 रुपए हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने किया 700 बिस्तर अस्पताल का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के डायमंड जुबली कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के अंतर्गत 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। बता दें कि इस भवन का निर्माण 325 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टीएस सिंहदेव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में राजनीतिक आयोजनों को पूरी सुरक्षा मिलेगी, बोले बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने, बस्तर में अपने नेताओं की हत्या किए जाने की आशंका प्रकट करते हुए भाजपा ने यह भी कहा था कि उसे भूपेश बघेल सरकार पर भरोसा नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। विधानसभा कार्यालय राजिम के उद्घाटन के बाद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार को झूठ फरेब वाली सरकार बताया है। साव ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में झूठ फरेब वाली सरकार चल रही है, यहां के मुख्यमंत्री इतना अधिक झूठ बोलते हैं कि गधे को भी ज्वर आ जाए। जब हम सुबह उठकर राम राम कहते हैं उस समय यहां के मुख्यमंत्री झूठ बोलने के लिए निकलते हैं। वह भूपेश बघेल जी, हम छत्तीसगढ़ के गांव में रहने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1500 लोग आज करेंगे सेतु बंद आसन, होगा सामूहिक योगाभ्यास। छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से राजधानी रायपुर में सेतु बंद आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा। यह बूढ़ापारा स्थित बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आज सुबह 9 से 11 बजे तक कार्यक्रम होगा। इसमें लगभग 1500 लोग सामूहिक योगाभ्यास कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ योग आयोग देश का प्रथम योग आयोग है जो अपने गठन के बाद लगातार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहा है। साथ ही प्रदेश के कई शहरों के गार्डनों, सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क योग कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्यपाल बलात्कार छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार महिलाओं और नाबालिग लड़कियों से बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगाने में विफल रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यात्री ट्रेनों के रद्द होने से नाराजगी, 12 और 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन। छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेनों के लगातार निस्तारीकरण और लेट लतीफी से परेशान आम लोगों के हक के लिए नागरिक सुरक्षा मंच और कांग्रेस ने रेल मंत्रालय के खिलाफ आंदोलन कर मोर्चा खोलने का ऐलान किया। आगामी मंगलवार 12 सितंबर को छत्तीसगढ़ नागरिक सुरक्षा मंच बिलासपुर जोन के उसलापुर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन करेगा, तो वहीं बुधवार 13 सितंबर को कांग्रेस प्रदेश के सभी 33 जिलों में रेल रोको आंदोलन करने की घोषणा कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में राहुल और खड़गे रचेंगे चक्रव्यूह, फिर चुनावी मैदान में कूदेंगी प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार छत्तीसगढ़ विजिट कर चुके हैं। वहीं राहुल गांधी ने राजीव गांधी मितान कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसके बाद अब प्रियंका गांधी 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ के भिलाई पहुंच रही हैं। भिलाई में प्रियंका गांधी महिलाओं के एक बड़े सम्मेलन का हिस्सा बनेंगी। इस कार्यक्रम की जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। छत्तीसगढ़ में हुए न्यायाधीशों के तबादले। छत्तीसगढ़ में न्यायाधीशों के तबादले हुए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने तबादला आदेश जारी किए हैं। न्यायधनी बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार साहू को बिलासपुर से बलरामपुर रामानुजगंज जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाकर भेजा गया है। उनकी जगह फैमिली कोर्ट बिलासपुर के प्रधान न्यायाधीश रामशंकर प्रसाद को बिलासपुर का डीजे बनाकर भेजा गया है।
छत्तीसगढ़ की महिलाएं तैयार कर रही भगवान गणेश की खास मूर्तियां। अंबिकापुर जिले के रीपा मेंड्रा कला की गणेश की मूर्ति निर्माण उत्पादक समूह कर्मियों और शक्ति समूह की महिलाओं द्वारा गणेश प्रतिमा बना रही हैं। महिलाओं ने बताया कि त्योहार को देखते हुए गणेश प्रतिमा बनाने की मांग अच्छी खासी बनी हुई है। अब तक 7,000 रुपए की मूर्ति का विक्रय भी कर चुके हैं। डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोगों के द्वारा एडवांस में मूर्ति ऑर्डर दिया जा रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि शहरों में स्टॉल लगाकर गणेश मूर्ति का विक्रय किया जा रहा है। 16 लाख का गांजा पकड़ा, पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार, वाहन जब्त। सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 16,40,000 की कीमत का गांजा पकड़ा है, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने गांजे के साथ साथ तस्करों का वाहन भी जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उच्च पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर नशा और मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करने वालों पर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में डेंगू के इलाज और क्लेम करने के आधार की होगी जांच। राजधानी समेत छत्तीसगढ़ के शासकीय और निजी अस्पतालों में डेंगू के इलाज और क्लेम करने के आधार की जांच होगी। बता दें कि प्रदेश में इस वर्ष अब तक डेंगू के 449 मरीज मिले हैं। अधिकांश स्वास्थ्य संस्थानों ने रैपिड किट से ही जांच कर डेंगू मरीजों को भर्ती कर इलाज और क्लेम किया है। स्वास्थ्य संस्थानों ने मरीजों का एलाइजा टेस्ट नहीं कराया है, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डेंगू की पुष्टि के लिए एंटीजन या रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आने पर एलाइजा टेस्ट जरूरी है। भारत बनाम पाक महामुकाबला आज। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 राउंड का मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, इसमें क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि ये महामुकाबला होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस मैच के लिए रिजर्व डे की घोषणा की है। यदि खेल में बारिश का खलल पड़ता है तो मैच रिजर्व डे में पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सूबे के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ इलाकों में वज्रपात का भी अलर्ट है। खासकर सूबे के बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। रायपुर में भी झमाझम बारिश हो सकती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।